आपने मुल्क को चलाए बेटे, क्यों लड़ाइयाँ करते हो? किसके साथ की? करते हैं आप लड़ाई किसके साथ? इमरान है, सब है, तुम बेटे सब मिलके चलो बच्चों। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब मैंने किसके साथ लड़ाई की? बातें की जाती है, हम सुनते हैं टीवी पे, सुनते हैं मसले, सुनते हैं, हम परेशान है, आवाम परेशान है बेटे आप लोगों से। हमसे परेशान है? नहीं, सबसे परेशान। नहीं, आप किसकी तरफ से हैं? मैं अल्लाह की तरफ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जरूर पीपल पार्टी से तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं मुस्लिम लीग की हूं। मुस्लिम लीग की? अच्छा, एडिशन सेक्रेटरी लाहौर। माशाल्लाह, पहली दफा मुस्लिम लीग की कोई शफीक खातून देखी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटे लड़ाइयां, मैं प्यार माँ करके तुम्हें कहती हूं, लड़ाइयां छोड़ो, प्यार मोहब्बत से। तो अपने मियां साहब को समझा देना। मियां साहब तो नहीं करते, हां जी वो नहीं करते, नहीं लड़ाई नहीं करते। ला 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 करते, मत करा करो असेंबली में। ठीक है ना, लेकिन जो हमारी सीटें चोरी कर गया है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। 17 सीटें नहीं नहीं, गलत बात है, वो नहीं कभी करते, वो बड़े अच्छे बच्चे, बड़े माशाल्लाह, आप आज बड़े अच्छे लिबास पहन के आए। अच्छा, मैं इनकी तारीफ कर रहा था, बड़े अच्छा ड्रेस पहन के आए, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी गुफ्तगू सुनने से आज महरूम होंगे, मेरा तो ख्याल था आपके घर आ रहे हैं, आपके शहर। तो आपको आपको यकीन करें, मैं आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मैंने आपको सुना है, और क्या आपकी मुदल्लिल गुफ्तगू है, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, एडमायर करता हूँ। तो आप आज तशरीफ नहीं ला रहे हैं, सुने? चले चले सर, हमारी किस्मत इंशाल्लाह जब आप इस्लामाबाद तशरीफ लाएं तो मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सर चले, सर चले, चले किधर चले? हम इधर खड़े हैं, फोटो खिंचवाएंगे तो जाएंगे आगे। किधर चले? चले जमीन साहब, चलो जी फोटो, एक मिनट जमील आदर साहब, चलो हम दोनों जमील आदर। क्या ले? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैदी नंबर 804। ये हमारा जवान सिपाही, ये बहुत बहादुर सिपाही है, इसने बहुत जबरदस्त जलसे करवाए पुलिस से लड़ के। अच्छा माशाल्लाह, का शुक्र, हम सबकी आमद का मशहूर हो, उम्मीद है आज जलसा अच्छा होगा इंशाल्लाह। चले सर, आप बैठे गाड़ी में, बैठे यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाने तकरीबन। सर गाड़ी में बैठे, सर गाड़ी में बैठे, निकलना चाहिए। 22 तो डबल हो गए, टोटल नहीं यार, तलागांग पता है, 40 नहीं है, कितने तो 22 किलोमीटर है, जितने भी है। चले जी फिर गाड़ियों में बैठे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर 275 है, वो बता दे जी। उन्होंने आपको हमारे कैंडिडेट जी बीपी के, मैं भी बीपी का, हम दोनों 145 छोड़े हैं जी, 147 से जी। अच्छा माशाल्लाह, नहीं आप तीन दफा मेरे तरफ चलते हैं, आपसे मुलाकात हुई थी मेरी वाला भाई, मुलाकात ये दवा, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चकवाल की पूरी क्यादत भी है,
और मैं चकवाल के लोगों को वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आपकी मोहब्बत है हमारे लिए, आप यकीन माने मोहब्बत है। मजे की बात सुनो, पंजाब में दो तीन ही दिल्ली सदर रह गए हैं, सारे जो है ना वो अंडरग्राउंड के फिर छोड़ गए, अभी तक कोई छुपे हुए हैं तंजीम में। हमें बहुत बहुत हमें मतलब हमें योगदान है। ये सर ये वो लोग हैं साथ ले गए, सीमा भी आई है, सीमा भी आई थी, हमने बड़ा उनके सवाल किए, पूरे रात का मेरा वो लगाया। वो किधर गई? वो आई थी सर, आई तीन चार दिन का शो है नहीं, लेकिन कल वो बता रही। हमारा जो इलेक्शन हुआ है जी, उसमें इन दो बहनों का एक बहुत बड़ा किरदार है। पूरे हल्के में डोर टू डोर कैंपेन मेरी वाइफ के साथ, कोई आज तक एक भी ऐसा नहीं मिला है जिसमें हमें कमी मिली। वो बहुत प्यारे लोग, मोहब्बत करने वाले, पढ़े लिखे, अच्छे पाकिस्तानी। और जी पिछम मुड़ो के लिए खान साहब का दिया हुआ शौर है, और ये आप सब की मोहब्बत है कि हमें खान साहब जैसा लीडर मिला, और हम जो है ना पाकिस्तान की आजादी और हकीकी जंग में शामिल हुए हैं, और खान साहब के शानम शाना चाह रहे हैं। मुझे मैं आपको ये भी कहूँ कि ये उन जब बुनियाद डली थी चकवाल पीटीआई की, ये उस समय चकवाल में जो है ना ये ग्राउंड मेंबर है हमारे, वो आए हुए हैं, तशरीफ लाए हुए हैं हमारे आया जमीर साहब, फगवाल में अपने गांव में, अपने गांव में नहीं, वो नहीं आ कैंपेन मिशन नहीं ले रहे, नहीं ये ले रहे आज उन्होंने तीन जलसे किए हैं, काम कर रहे हैं, मगर हमारे इलाके में फगवाल की ये है ड्यूटी के जमीन नीलतुल्लाह वाह मां ये जबरदस्त सुन है ना, हम तो उनके हैं ना, नहीं आज भी उन्होंने तीन जलसे किए हैं। अच्छा वो टूर कैंपेन कर अपना वर्क कर रहे हैं, उनके मैं बड़ा फैन हूं, ये जब बोलते हैं ना जी करता है उनको सुनते ही सुनते हैं, सही बात, बड़े मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, सही बात। आप जब बोलते हैं सबका दिल करता है। बहरहाल जो ये हमारे एक और आपको एक और बताना है, ये जमील हैदर बेकरी साहब की तारीफ है, ये एक माह और कुछ दिन दो दफा बड़े भाई के पास रहे हैं, बड़े भाई ने 16 दिन ड्यूटी करवाई है और बड़ी कुर्बानी है, 9 मई में सर जेल भी काटी है जी, ये हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है जी पार्टी के, और बहुत माशाल्लाह आपको बताऊं ना, जब तक हर पाकिस्तानी जेन में ये न बिठा ले ना, ये इसके साथ निकालो यार, सर हम आपके साथ हैं यार, बहन माशाल्लाह। और ये जब हम भागित रहे चमड़ साहब, चमड़ हम आपके साथ हैं, ये आपका मुंह आ सकता है या दोनों आएंगे मरवत भाई कैसे हैं साहब? हाँ क्या हमारे उस दिन आप तशरीफ भी लाए थे ना, वो पिंडी का जो जलसा था हमारा, थोड़ा सा सैड डाल कर और ठीक है चले सर, थोड़ी सी सैड सर सर सर, ये जमाल है, जमाल मैडम सुनाबिया की टीम है, अच्छा अच्छा इकट्ठे काम करते हैं आज।